जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। औदिक भाव की चर्चा चल रही है। औदिक भाव से भिन्न हूँ ऐसा कहना कितना सरल लगता है, लेकिन उसका भाव पक्ष कितना गहरा है वो चर्चा चल रही है। आज हम कहेंगे सम्यक श्रद्धान का एक बहुत सुंदर सूत्र है, न न्यूनम न अधिकम न विपरीतम, है ना? है ऐसा, न न्यूनम न अधिकम न विपरीतम। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सात तत्व की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, निर्णय कैसा होना चाहिए कि न्यून भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए और विपरीत भी नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा थोड़ी सी करेंगे। औदिक भाव में, औदिक भाव को न्यून नहीं मानना माने उसकी उपेक्षा नहीं करना, ऐसे नहीं मानना, इससे कुछ नहीं होता। यदि अनादिकाल से तुम्हारा प्रभु तुम्हारे सिद्धपने का घात हुआ है, प्रभुता का घात हुआ है, तो वो औदिक भाव की ही कृपा है। यदि औदिक भाव नहीं होता तो हम सब अभी सिद्ध होते, इसलिए न्यून नहीं समझना माने उसकी मजाक नहीं उड़ा देना, उसकी उपेक्षा नहीं कर देना। कि नकुल सहदेव को मोक्ष जाने से रोकने वाला ये औदिक भाव ही है। किंचित मात्र भी राग हो किंचित मात्र भी राग उत्पन्न हुआ, साधर्मी के प्रति राग उत्पन्न हुआ, प्रशस्त जिसको सारी दुनिया कहती है, उस प्रशस्त राग ने भी उनको संसार में दाखिल करा दिया, मोक्ष में नहीं जाने दिया। इसलिए ना न्यूनम, भले ही हम वेद विज्ञान करने के लिए कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है, वैल्यू जीरो है, देखने लायक नहीं है, भूल जाओ, चिंता नहीं करो, टेंशन नहीं करो, जी कहते हैं हम, लेकिन न्यून मत समझ लेना उसे। नकुल सहदेव को एक जरा सा विकल्प अखर गया, हाँ एक विकल्प भी मोक्ष मार्ग में बाधक है सिखलाते हो, निर्विकल्प निज में स्थिरता मुक्ति मार्ग समझाते हो। इसलिए न्यून नहीं समझना, रोग का छोटा सा भी लक्षण को शत्रु के समान जानना, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना, औदिक भाव को कभी कमजोर नहीं समझना, रोग के किसी भी लक्षण को कमजोर नहीं समझना। हम सब रोगों के भंडार क्यों बनते जाते हैं, वो छोटे छोटे लक्षणों को इग्नोर करते हैं। ओ खट्टी डकार आती है, और ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है, बस एक थोड़ा खट्टी डकार आती है, मुरा के खट्टी डकार आती है माने तेरा पाचन खराब है, इसका मतलब वो एसिड बच रहा है, ओवर डाइट कर रहे होगे इसीलिए आ रही होगी वो सब। मैंने वो मैंने नहीं, वो थोड़ा सिर दुखता है, ऐसे ज़्यादा कोई ऐसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिर दुखता है, थोड़ा नहीं दुखता है, पेट पूरा खराब है तेरा, गैस बन रही है तेरे को। मैंने वो पता ही नहीं बेचारे को, वो कारण कार्य संबंध नहीं है उसको, क्या तो नॉर्मल बात है, चक्कर थोड़ा आता है, ज़्यादा कोई चक्कर नहीं, चक्कर थोड़ा आता है। मैंने शत्रु को, रोग को और औदिक भाव को कभी कम नहीं समझना, कहने का तो बहुत मन करता है अभी भी, लेकिन अभी नहीं कहता हूँ, फिर कहूँगा आपको। एक आगे चलो, ना अधिकम, अधिक नहीं समझना, औदिक भाव से भला होता है जी अधिक समझना है, पुण्य भाव से मोक्ष हो जाता है, पुण्य भाव से पवित्रता बढ़ जाती है, शुभ भाव करते 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 संबर हो जाएगा, ये अधिक मान लेना है। ना अधिकम, हालांकि ये विपरीत में भी चला जाता है, ये विपरीत है,
शुभ भाव से मोक्ष मानना ये विपरीत है, लेकिन जिस जाति का शुभ भाव है उतना ही पुण्य बंधेगा, उससे अधिक नहीं बंधेगा, उससे अधिक मान लेना। जिस जाति का शुभ भाव है उसी जाति का पुण्य बंधेगा, उससे अधिक मान लेना ये अधिकम है। आप देखो दृष्टांत दूं, बिना दृष्टांत समझ नहीं आया। कभी कभी आप बाजार से नारियल लाते हो ना, नारियल दाने कोई भी फल लाते हो, ऊपर से देखने में अच्छा, अंदर से खराब निकल गया। ऐसा क्यों? कि तुमने मायाचारी से ऊपर से अच्छे से स्वाध्याय सुनी थी और अंदर कुछ नहीं किया था। ऊपर से सब प्रसन्न है तो अपने को भी प्रसन्न रहना चाहिए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, इनको समझ में नहीं आ रहा ये बुद्धू हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, पैटर्न क्वेश्चन होते हैं 10-5, कहीं चले जा कोई विद्वान आ जाए 25 साल में, सबसे वो यही प्रश्न पूछे, साहब वो कारण परमात्मा क्या कहलाता है? तो उसको क्या लगता है, ये तो बहुत समझदार आदमी है। वो एक प्रश्न पूछ लिया, स्वपर प्रकाशक का स्वरूप क्या है? हमारे पंडित साहब में एक विशेषता है, आप उनसे प्रश्न पूछोगे तो वो उल्टा पूछेंगे, तुम अभी तक क्या समझे? अभी तक तुम क्या समझे, तुमने क्या क्या पढ़ा? यदि आपने कहा हम कुछ नहीं समझे, हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो कहेंगे पहले पढ़ गया जा, जब नहीं समझ में आया तब पूछ लेना। माने ये जो एक धोखा है ना, धोखा, अपने आप को धोखा देना, समाज में प्रतिष्ठा रहे, विद्वान की नज़र में ऊंचे रहो, अरे मेरे नज़र में ऊंचे चढ़ जाने से मोक्ष नहीं हो जाएगा। पूजा कर रहे हैं मन तो लगता नहीं, लेकिन ऊपर से सब कर रहे हैं तो अपनी ऊपर से अच्छा अंदर से सड़ा, ऐसे फल ऊपर से अच्छा अंदर से खराब निकल जाता है। मैंने कई बार देखा, आजकल एप्पल आते ना, एप्पल सफरजन, ऊपर से एकदम देखने में बढ़िया लग रहा है और खोलने में देखा तो बीच में बिल्कुल सड़ा हुआ निकल गया। एक दृष्टांत दे दिया आपको, आप अधिकम नहीं करिए, आप अपनी असलियत छिपाइए मत, अपने विकारी भावों को छिपाइए मत। इसका दूसरा फल बताता हूँ, अभी तो फल में बताया था, वो संयोग का ज्ञान कराया था। एक संयोग ये भी है शरीर, आज एक बीमारी होती है जिसका पता ही नहीं लगता है, डॉक्टर चेकअप कर करके मर जाता है, वो पता ही नहीं लगता उसे, बाद में मालूम पड़ता है थर्ड स्टेज में कैंसर, थर्ड स्टेज में डायबिटीज, थर्ड स्टेज में आकर के कोई टीबी, मैंने शुरू में पता ही नहीं लगता, जब बहुत सिर से ऊपर पानी हो जाता है जब आदमी को लगता है ये कुछ हुआ है। क्या मतलब? तुम अपने विकारी भाव को छिपा करके महान दिखना चाहते हो, ये उनका फल है, ये मायाचारी का फल है। द्रव संग्रह जी की टीका में है, गुप्त पाप को माया कहते हैं। करणान योग में है, माया का फल गुप्त रोग है। अब सीधे सीधे कर दो आप, गुप्त पाप का फल गुप्त रोग है। खबर ही नहीं पड़ती जीव को, किसी को मालूम नहीं पड़ा। ये HIV वाली बीमारी होती है ना, ये कुशील का खोटा भाव अंदर छिपा के करते रहो, किसी को पता नहीं लगा, उसका फल है जो गुप्त रोग। एक दृष्टांत दे दिया आपको, सीधे सीधे बिल्कुल जग जाहिर। सच में करणानियोग पढ़ लो ना तो जिंदगी में भटक नहीं सकते आप, लेकिन पढ़ो ढंग से तो बात है। एक्चुअली वहाँ फार्मूले लिखे हैं, फार्मूले आपको घटाना पड़ेंगे और मोह आपको फार्मूला घटाने नहीं देता। कल रात्रि की भाषा में जो चर्चा चल रही थी, अनुमान के दो अंग, प्रतिज्ञा और हेतु, वो मोह है ना, वो प्रतिज्ञा तक जाने नहीं देता। और ध्यान रखना सभी लोग, एक दिन में प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती, आपको फिनिश करनी पड़ेगी, उसको फिनिशिंग लानी पड़ेगी, उसमें रोज वेद विज्ञान करना पड़ेगा, रोज देखना पड़ेगा ये आश्रव भाव है, ऐसा बंद होगा तो इसका फल क्या होगा। सोचो आप बिल्कुल पक्के साध्य को पालेंगे आप। हम क्या करते हैं, लेट गो तो समझते होंगे इंग्लिश में, हम उसको केयर नहीं करते, उसको आश्रव होगा तो सोचते ही नहीं कि इस आश्रव का क्या फल होगा। जैसे हमारी किसी से नहीं बन रही, उसके खिलाफ हम खोटा सोच रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के बारे में तो बदमाश है, काम ही नहीं करना चाहता आजकल कोई, हमने ये सोच लिया, अब उसका फल सोचो, वो बेचारा काम कर रहा है, तुमने झट कह दिया बदमाश है काम नहीं करता, इसका फल क्या होगा? तो मैं मजबूर है फिर, जब कोई तुम्हें बदमाश कहेगा, जब तुम बहुत ईमानदारी से काम करोगे, माता पिता की सेवा करोगे तो भी तुम्हारा यश नहीं होगा, तुम्हें मंजूर है? देव सास गुरु की सेवा करोगे यश नहीं मिलेगा, मंजूर है?
मैंने, आप जितनी जल्दी किसी बारे में सोच लेते हो उसका फल तो सोचो। अब आप टारगेट से भ्रष्ट नहीं हो सकते। लेट गो मतलब अब जो होगा देखा जाएगा। कौन, हम अकेले कह रहे, सब कह रहे हैं। जैसे यदि सिद्ध भी हो जाए कि आपने गलत कहा तो फिर मालूम क्या कहते हैं, हम थोड़ी कह रहे, वो तो सभी कह रहे। अरे तो सब कह रहे तो उसके पाप का उदय है। लेकिन पाप के उदय में तुम तो विज्ञान करो कि तुमने उसके पाप के उदय के निमित्त बनना है कि अपने को पाप बंद का निमित्त बनाना है। पॉइंट पकड़ में आए कुछ? पाप का उदय में निमित्त और पाप बंद में निमित्त, क्या करना है तुमको बोलो। तुम पाप बांधोगे भविष्य में फिर फल भोगना पड़ेगा। फिर क्या होगा, तब आप एकदम बैलेंस हो जाओगे। आप नहीं नहीं भैया, हमें चक्कर में नहीं पड़ना, क्षमा मांगना तो झट कर दें भैया, हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, छुट्टी पड़ी। अब तुम्हें भैया जो अच्छा लगे सो कर लोगे, अब हमें तो अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे देखना आपकी परिणति इतनी निर्मल हो जाएगी, आप जगत को व्यर्थ दोषारोपण करना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे आश्रय बंद हो जाएगा, इसका मतलब आश्रय बंद हो जाएगा, इसका मतलब संवर प्रकट हो जाएगा। संवर करने की विधि है, कल रात्रि की बात को आगे बढ़ा दी एक तरह से प्रैक्टिकल करके। आप अच्छी तरह से सोचो इनका फल क्या होगा, जो गुप्त रूप से मैं भाव करता हूँ, भिखारी भाव को छिपाए रखता हूँ और दुनिया को कैसा लगेगा ये सोच सोच के छिपाए रखता हूँ, इसका फल क्या होगा। उस दिन उत्तम क्षमा के प्रकरण में कहा था ना, उसमें एक बात मैं कहना चाहता था, अब कह देता हूँ आपको। देखो आप कभी कभी इसलिए अपनी बात नहीं बताते किसी को कि लोग क्या कहेंगे, हो सकता है वो जिंदगी भर घृणा करें, हो सकता है वो मेरे 10-5 क्लाइंट तोड़ दें, हो सकता है वो मेरे रिलेटिव में बात फैला देंगे, हो सकता है समाज में मेरी बदनामी हो जाए, हो सकता है, मैंने ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको पता है अपन इस तरह से विचार नहीं करते, लेकिन ये जैसे कंप्यूटर होते हैं ना, फाइल खोली तो फाइल पर वो लाने पर एरो लाने पर फिर उसके सबॉर्डिनेट फाइल खुल जाती है, फिर उस पर लाने पर उसकी सबॉर्डिनेट खुल जाती है, ऐसे आपके अंदर भी खुलती है। कहना क्यों नहीं चाहते, एकदम फाइल खुल जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। अब इनमें फिर सिलेक्ट करो, फिर सिलेक्ट करो, इन सबको उड़ानी पड़ेंगी। जब सबॉर्डिनेट फाइल उड़ेंगी, सबॉर्डिनेट फाइल उड़ेंगी, सबॉर्डिनेट उड़ेंगी, तब मैन फाइल उड़ेगी। भैया फिर स्वरूप में स्थिरता करके मैन फाइल उड़ा दो तो सबॉर्डिनेट उड़ जाएगी। मुझे मालूम नहीं है, कंप्यूटर वम्प्यूटर में देखता रहता हूँ थोड़ा बहुत, जो कुछ खबर पड़ती है कुछ मालूम नहीं पड़ता अपने को। या तो स्वरूप स्थिरता पूर्वक मेन फाइल उड़ा दो आप, समस्त औदिक भाव से बिन भगवान, बस कोई औदिक भाव मेरा नहीं, अर्थात कोई औदिक भाव का अपमान मेरा अपमान नहीं, कोई औदिक भाव का सम्मान मेरा सम्मान नहीं। मेन फाइल उड़ाओ पहले, लेकिन अब मेन फाइल उड़ती नहीं तो फिर हम सबॉर्डिनेट खुलाते हैं और क्या करें। जितने जो प्रवचन हो रहे हैं ना, मेन फाइल तो 5 भाव ही है, उसमें एक अपन औदिक भाव को सबॉर्डिनेट फाइल खोल लिया। अब सबॉर्डिनेट फाइल में फिर खोलना शुरू कर दिया अपन ने, तो 23 भेद हो गए, 21 भेद हो गए। अब 21 भेद के बाद उनकी सबॉर्डिनेट खोल के देखी तो 160 कितनी निकल गई, 168 निकल गई। अब और उनकी सबॉर्डिनेट खोलो तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद, लेकिन आपको उड़ानी पड़ेगी। ये मैं आपसे उसका एक जवाब देता हूँ, बहुत अच्छा जवाब, डिलीट कर देना उसको। किसको डिलीट कर देना? सबॉर्डिनेट फाइल को। यदि आपको ये लगता है ना, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो एक क्लिक करना काफ़ी है। लोग मुझे जानते नहीं, बदनामी होगी किसकी, एक क्लिक में सब खत्म, एक क्लिक में खत्म। मुझे जानता कोई है, बदनामी इसकी होगी, औदिक भाव की होगी, मेरी नहीं होगी। आप जब भी मेरी बदनामी कर रहे हो ना, तो औदिक भाव की बदनामी कर रहे हो, मेरी तो कर ही नहीं सकते आप। मेरा अहम तो पारिणामिक भाव में, बस एक क्लिक किया सब खत्म। दूसरी बात, अब फल का सोचो, आपको 50,000 बरस नरक में भोगना पड़े तो आपको, जब मुनि दशा होगी और तब भोगना पड़े तो, उपसर्ग आए तो, परिचय आए तो, निंदा हुए तो, रोग हुए तो, बोलो। जिनको कुशील सेवन का भाव आता है वो अपने आप में ये पूछो, यदि तुमको HIV हो गई तो, पाप के उदय में कोई रोग हो गया, गुप्त रोग हो गया तो, फिर सबको मालूम पड़ जाएगी, फिर कैसे जियोगे बोलो। झट फाइल डिलीट होगी, वो अब नहीं रह सकते आप वहां खड़े हो गए। एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप हर क्षेत्र में सोचना है। ऐसे मैंने आश्रय बंद ये सब लिखे क्यों हैं, इसलिए लिखे हैं कि आप अपने हेतु से साध्य को नक्की कराओ। हमने कल कहा था आप हेतु बदलने की कोशिश मत करो, आप साध्य नक्की कराओ। जैसे जैसे साध्य फाइन होगा यहाँ हेतु बदलते जाएंगे। 5वीं तक बच्चे को पढ़ाई के प्रति उतना मजा नहीं आता,
तो हम जबरदस्ती उसको यहाँ से पढ़ाते जाते हैं, बाद में खुद धीरे धीरे सेट होता जाता है। दसवीं तक आते आते तो इतना सेट हो जाता है कि अब हम कहते हैं सो जा बेटे, बहुत पढ़ लिए बेटे, हम ज़्यादा सिर खराब नहीं कर, आज चश्मा लग जाएगा बिहार, मैंने अपन ध्यान रखने लगते हैं। ऐसे पहले तो आप इधर से विचार करो, लेकिन इधर से विचार करने के, और एक बात ये भी ध्यान रखना, इसमें डिप्रेशन से काम नहीं चलेगा। आप इधर खराब खराब देख देख करके डिप्रेस हो जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। इधर यदि कमी है तो इधर फिर फाइन करिए, इधर फाइन होता जाएगा, इधर होता चला जाएगा। आए समझ में आया, मैंने अपना डिसीजन फिर बढ़ाइए। देखो चाहे तुम पुरुषार्थ कह लो, अनंत पुरुषार्थ, चाहे तत्वाभ्यास कह लो, एक ही बात है। चाहे भेद विज्ञान कह लो, चाहे तीक्ष्ण भेद विज्ञान की धारा कह लो, बात एक ही है। इसी का नाम लेबर है, इसी का नाम बस। ये जो पांच भाव पढ़ाए हैं सुबह और शाम को पढ़ाए हैं, वो परोक्ष प्रमाण, मैंने चलने दो। एक्चुअली हम सोचने में क्या ऐसा लगता है कि एक और गंदी चीज मिल सकती है आपको, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि पंडित जी बुरे भावों को देखने से बहुत बुरा मन हो जाता है, इसलिए हम देखने नहीं चाहते। बीत गए तो बीत गए, हो गए तो हो गए, अब हम उन्हें याद नहीं करना चाहते। जे लेट वो करना है, आप भिन्न नहीं देख सकते क्यों? सड़क पर चलते हुए गटर की गंदगी नहीं देख सकते? तो जैसी ताकत से उसको भिन्न देख लेते हो, जैसे पराए धन को देख लेते हो, पराए सामग्री को देख लेते हो, अपना नहीं मानते, ऐसे अपना नहीं मान करके देखो। हमें वो पराए में एकत थोड़ी कराना कि तुमने ऐसा गंदा किया किया, हम तो अकर्तापने से देखना सिखा रहे हैं। आप अकर्तापने देखो उसे। कई बार ऐसा होता है जिस खोटे भाव को भूतकाल में होने पर अपन लेट गो कर देते हैं, और अब हम सोच लें अब थोड़ी होगा वो, अब नहीं होगा, अब अपन तो मोक्ष हुए, अब वो ही भाव फिर रिपीट हो जाए, अब क्या होगा? आपकी 12 बज जाएगी। क्यों? आपने भूतकाल के उन खोटे भावों को, अधिक भावों को भिन्न देखना नहीं सीखा था। भिन्न देखना सीखा होता तो आज भी मस्त होकर देख लेते। अरे अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा टेली करना हो तो एक काम करो, जो परिणाम आ रहे हैं वो किस गुणस्थान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ये देखो, इससे भी खुशी होगी आपको। उस गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करे तो टेंशन नहीं करना, उस गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करे तो टेंशन नहीं करना, फिर कह रहा हूं मैं आपको। जैसे समझ लो आप सामायिक करने बैठो तो आपके हेतु उल्टे सीधे चल रहे हैं, तो सही चल रहे हैं, गलत कहाँ चल रहे हैं? 6 महीने में एक बार अनुभूति होती है तो सही चल रहे हैं ना, खाना पीना कमाना लड़ाई झगड़ा जो कुछ चल रहा है वो सही तो चल रहा है, गलत कहाँ चल रहा है? आप तो क्या सोचते हो हम बैठे हैं और बैठते से दुनिया बदल जाए, ऐसे कैसे बदल जाएगी? पंचम गुण स्थान भर्ती हो गए तो 15 दिन तक तूफान मच सकता है, खाना कमाना लड़ाई झगड़ा टेंशन, ऐसा 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 पढ़ूं लिखूं पूजा करूं भक्ति करूं तीर्थ यात्रा करूं, 15 दिन धमाल चले, फिर एक दिन वेद विज्ञान के बल पर आत्मानुभूति हुए किसा, 1 घंटा लगातार हो जाए मूर्ख मोक्ष हो जाएगा फिर तो। 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है। कपड़ा पहने पहने अंतर मोड़ तो यदि तू लीन हो जाए रोजाना के रोजाना, तो कपड़े रह नहीं सकते, कपड़े पहनने का भाव नहीं रहेगा, इतनी कसाई मिट जाएगी, मोहिनी दशा आ जाएगी। अब ये चीज अपने पता नहीं ना, इसलिए वो कल की चर्चा सुन के लोग डिप्रेस हो गए होंगे कल, हाँ पंडित जी तो अब हम क्या करें, नथिंग टू डू, कुछ करना थोड़ी है, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये जान लो इस गुण कौन से गुणस्थान तक ऐसा चलता है, इसलिए करना नहीं पढ़ना चाहिए। केवल द्रव्यानी पढ़ोगे तो इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल मैंने बेहोश हो जाओगे, करना नहीं पड़ा कौन से गुणस्थान तक कैसे भाव होती बोला। कोई ब्रह्मचारी वैसे तो ऐसी बात बताते नहीं, छिपाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बता देता है, पंडित जी मैंने शादी नहीं की है, ब्रह्मचर्य है, लेकिन फिर भी कभी कभी स्त्रियों प्रति भाव आ जाता है। मैंने कोई बात नहीं, अब एक काम करो उसे भिन्न देखो और साध्य को और पक्का करो, साध्य पक्का करो मैंने गुणस्थान बढ़ा देता स्वभाव के आश्रय से, तो चला जाए कोई दिक्कत नहीं। वो आया इसलिए है कि गुणस्थान गिर गया होगा, नहीं समझ में आया भाई? जिस आपने सातवीं प्रतिमा का नियम लिया तो उधर तो नहीं आना चाहिए भाव, लेकिन भाव आया इसका मतलब या तो प्रतिमा गिर गई होगी, 6ठी प्रतिमा आ गई होगी। कह रहे पंडित जी 6ठी प्रतिमा में स्त्री का भाव आता क्या? हाँ, तुमने प्रतिज्ञा ली है 7वीं प्रतिमा की, लेकिन परिणति ने थोड़ी ले ली, परिणति गिर के 6ठे में आ गई तो फिर वो भाव आ गया, और 4थे गुणस्थान में गिर गया हुआ तो और ही ज्यादा हो जाए भाव, और मिथ्या दृष्टि हो जाए तब तो ऐसा लगता है कहाँ रखे इसमें अपन, चलो शादी वादी करेंगे, किसी स्त्री को अट्रैक्ट करो, इतना परिणाम गिर जाएगा, फिर चढ़ जाएगा,
और एक भाव का विश्वास थोड़ी, गिर गया तो गिर ही गया, चढ़ भी जाता है थोड़ी देर बाद। आपने देखा होगा गलत काम करने पर भी रिवर्स ऐसे ऐसे चलता रहता है, कंटिन्यू एक जैसे परिणाम नहीं रहते, जैसे गिरता भी है। अब खा लो रात को, अरे यार अच्छा तो नहीं लग रहा, खा वाले ही रहे लेकिन मन नहीं मान रहा, जी क्या चीज़ है ये फ्लक्चुएसन है। अब वो सेटल कहाँ होकर रुकेगी ये देखना है अपने को, कि यदि आपकी आपका पक्ष मजबूत है तो बढ़िया पे सेटल हो जाएगी, और यदि आपका पक्का नहीं है इधर का तो डाउन हो जाएगी। अब डाउन हो जाए तो भी टेंशन नहीं करो, फिर साधकी करो। रात को बहुत विचार है, साध्य को बहुत फिनिशिंग करना पड़ेगी जिंदगी भर। और साध्य माने क्या, साध्य माने ये तो मैंने आत्मा में इतना घटाया साध्य। अब जिस रात का प्रवचन सुबह हो गया, ये एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई अलग नहीं है विषय। काय का अर्थ चल रहा है, ना अधिकम ना न्यूनम ना अधिकम, और उसमें अपन ने शाम का फार्मूला सेट कर दिया, बस इतना ही और कुछ नहीं, अप्लाई कर दिया शाम का फार्मूला। आप क्या सोचते हो, यदि आप कहीं चले जा रहे हैं और किसी की चीज़ अच्छी लगी, ये अच्छी लगी ये इधर देखा आपने, अब सेट करो आप फिर से, अच्छी क्यों लगी? टेंशन के लिए नहीं कह रही यार, गुणस्थान के लिए कह रही, डिप्रेशन के लिए नहीं कह रहे, क्यों अच्छी लगी? जो धर्मात्मा लोग होते हैं ना, जरा भी यदि भावना भाते तो वो उसका निदान बनने उपलब्धि हो जाती है उसकी। हाँ तुझे भौतिक बात चाहिए, भगवान आत्मा चाहिए, झट पूछो अपने आप से। जितनी जैसे पेंसिल से गलत लाइन खिंच गई हो तो फौरन इरेजर से मिटा दो, उसे इरेज करो उसे फटाफट, रखो नहीं उसे। यदि आ भी गया डोंट वरी, हो गया कोई बात नहीं, फिर इधर से मिटा दो उसको, रबर की तरह से फिर मिटा दो, नहीं आई डोंट लाइक। आपको पराया धन देख करके चोराने का भाव आ गया, खाने का भाव आ गया, लेने का भाव हो गया, कौन सा भाव है? आश्रम बंद, फल क्या है इसका? भोगने तैयार हो? मिटेगा ये, पक्की बात है मिटेगा, इतने दो तीन बातों का विचार करो फिर मिटेगा ये, इसी के नाम वेद विज्ञान। और एक बात ध्यान रखना, यदि डिप्रेशन आता है या डिप्रेशन से शुरू होता है तो आप विरुद्ध मार्ग में जा रहे हैं, पहले आप सही हो जाइए। पहले आप जैसे एक दृष्टांत दो, बच्चे से कहा बेटे अंधेरे को, एक अंधेरे कमरा है, अंधेरा कमरा क्या कहना है, अंधेरा रहता है जिसमें, ऐसा कमरा बेटे जरा उसमें से एक वो बाल्टी लेके आना, बकेट लेके आना। तो डर गया, हम नहीं जा रहे, डर लगता है। तो पहले उसे वहाँ जबरदस्ती मत भेजो, पहले उसका डर निकालो, क्या हो, क्या का डर, कैसा डर, कि नहीं मुझे घबराहट लगती कुछ हुआ तो उस बच्चे की बात सही भी हो सकती है, वहाँ बिच्छू हो सकता है, सांप हो सकता है, स्पाइडर हो सकती है, कोई और भी हो सकता है। एक काम करो बेटे, एक टॉर्च ले जा, अब जाइए आप, उसका भय निकाल दिया, अब टॉर्च दे दिया अपन ने, ऐसे वेद विज्ञान का प्रकाश दे दिया, अब जाइए आप जाइए निकाल के लाइए। ऐसा नहीं, नहीं 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 कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके मन की तो समझो आप। यदि उसको भूत प्रेतों का डर है तो पहले भूत प्रेत का डर मिटाइए, उसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का डर है तो फिर वो मिटाइए, उसको टॉर्च दे दीजिए। ऐसे ही कई बार ऐसा लगता है, ऐसी बात हम कैसे करें, कैसे सोचें, क्या करें, वेद विज्ञान करो। पहले नंबर वेद विज्ञान करो, कसायों से वेद विज्ञान बाद में करना, पहले अपनी सत्ता नक्की करो। हूँ पारिणामिक भाव छूँ, अनादि अनंत छूँ, एक रूप छूँ, व्यायक छूँ, मैं कोई वोदिक भाव नहीं हूँ, राग नहीं हूँ, द्वेष नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ। अपनी सत्ता इतनी हाई फाई कर लो, हिंदुओं में आता है वैसे, विद्याधरों में होता है, विद्याधरों में जिससे लड़ना हो ना उसी आकार का बन जाता है आदमी विद्या के बल पर। जैसे हनुमान जी थे ना, तो छोटे से ही बन जाते थे, जब उन्हें गुप्त रहना हो, गुप्त जब उन्हें उसमें प्रवेश करना था रावण के किले में, तो वो किला तो बहुत वैसा था, तो विद्या से रूप बदल कर उसमें घुस गए, और जब लड़ना पड़ा इंद्र जी से तो इतना बड़ा रूप बना लिया, आजा मैदान में बोल क्या कह रहा है। जब इतना बड़ा पहाड़ उठाना था तो खूब बड़ा रूप बना लिया, अपने पहाड़ नहीं उठाया, उनके यहाँ उठाया मैंने, लेकिन विद्याधरों की ताकत होती है, उठा ली। तो पहले उतना बड़ा रूप बनाएंगे, ऐसे नहीं मक्खी बन जाए ऐसे उठा लाएं, ऐसे नहीं उठाएंगे, पहले उतना बड़ा रूप बनाएंगे। ऐसे ही पहले अपने त्रिकाली गाय की ताकत बढ़ाकर इतना कर लो कि युगल जी की भाषा में कहें तो मुक्ति को स्पर्श कर रही पढ़ना थी। अपनी सोच इतनी हाई फाई हो गई कि कौन है, कौन सा मोह, कौन सा राग, कौन सा द्वेष, ऐसा ऐसा लगे मन मोह राग द्वेष इतना हल्का हो जाए। अपनी पावर अनंत है भैया,
अपनी शक्ति अनंत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल शाम को फिर काफ़ी लोगों के चेहरे ऐसे हो गए होंगे, अरे अभी तो अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, मत होने देखो। अब मैं भी कहता हूँ अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्या समझ में आया? फिर से बोलो, आपको जब बौद्धिक भाव की चर्चा करता हूँ तो ऐसा लगता है अरे अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं भैया, सारा जीवन बेकार ना चला जाए। अब मैं कहता हूँ अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, पारिणामिक भाव में कुछ हुआ ही नहीं, मेरी शक्तियाँ कुछ कम हुई नहीं। शुरू में समझा चुके हैं बौद्धिक भाव की वैल्यू, देखो न्यून नहीं मानना इसलिए उसको कहा, अधिक भी नहीं मानना, इतना अधिक नहीं मानना कि अब हम मर गए, हाँ हाँ हाँ, और अधिकम विपरीतम, और विपरीत भी नहीं मानना, शुभ भाव से मोक्ष हो जाएगा ये नहीं मानना, आत्मा का विचार करने से संवर हो जाएगा, झूठी बात, आत्मा का विचार आश्रव बंध तत्व है, शुद्ध आत्मा का विचार भी आश्रव बंध तत्व है, संवर नहीं मानना उससे, संवर नहीं मानना माने प्रसन्न नहीं होना। अभी अपन आत्मा का खूब विचार चले तो झट खुश हो जाते हैं, इसका मतलब आप विकल्प की परिधि को लांग नहीं पाए और लांगना भी नहीं चाहते, अटक गए आप, अटक गए, अटक गए। फिर से कहता हूँ, फिर से आपको आत्मा का खूब विचार चलने लगे 24 घंटे खाते पीते तो आप खुश हो जाओगे कि दुखी होगे? बोलो बोलो, जैसे 24 घंटे आत्मा का विचार अच्छा चलने लगे, खाते पीते उठते बैठते हूँ गया एक छू जान ना रो छू हूँ खाओ तो नहीं पी तो ना थी, तो फिर क्या हो जाएगा? पंडित जी मारी तो अखंड धारा चाली रही छे, ब्रह्मा छ अखंड को देखे बिना अखंड धारा नहीं चलती, अखंड को देखना ही अखंड धारा है। पंडित साहब ने विसर्जन पाठ लिखा, शांति पाठ, शांति पाठ विसर्जन, शांति पाठ पंडित साहब का, पहला ही पहली पंक्ति हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जगे, यहां से शुरुआत हुई, ये धारा नहीं बताई, गंगा का निर्मल जल लेकर, जी अखंड धारा की बात नहीं करी जी, जी हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, ओहो ऐसी प्रतीति जब जगे, अनुभूति हो आनंदमय सारी विकलता तब भगे, यह शांति धारा, कौन सी शांति धारा? ये जो आनंद की धारा प्रकट हुई है, ये जो आनंद की धारा प्रकट हुई है, दिक्कत क्या है? अच्छी से अच्छी रचना पढ़ने में भी अपन उपयोग नहीं लगाएंगे तो, हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञान में ऐसी प्रतीति जब जगे, अनुभूति हो आनंद में सारी विकलता तब भगे, निज भाव ही है काश रहे शांति दाता सुख में, भूल से इधर उधर भटकते, हाँ अंदर से ऐसा लग रहा है पिंड छूटा, पिंड छूटा, निकट गई बस छट्टी जब तक, देखो फिर कह रहे हैं आप रचनाओं का आनंद। पंडित साहब एक बात कहते हैं, हम आपको सबको बता देते क्या कहते हैं, आप समझना इस बात को, यदि आपको आत्मकल्याण करना है तो एक दिन में एक पाठ करो, एक पूजा करो, एक छंद पढ़ो, चार लाइन पढ़ो, लेकिन उसका एक घंटे अर्थ विचार करो, पहले उसका अर्थ विचार करो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने की शैली, आप पूरी रचना गायन मत कर दीजिए सीधे, गाना भी मत सिखा दीजिए, उस रचना को पहले गद्य तरीके से पढ़ना सीखिए, गद्य माने उसको धीरे धीरे उसका अर्थ करिए, फिर आप उसे पढ़िए, कितनी सुंदर बात है वो। अब ऐसी ऐसी बात जो मैंने अभी इसमें पढ़ के सुनाई नहीं, ऐसे तो उनकी तमाम रचनाओं में, तमाम पूजाओं में है, अभी तो नई पुस्तक आ गई, कितनी आ गई 75 पुस्तक पंडित साहब की आ गई अभी, आराधना संग्रह आज देखी होंगी ऊपर रखी हुई, उसमें नया विधान आ गया, एक पंचबाली तीर्थंकर का विधान, पढ़ के देखना कितना जोरदार है, और भी रचनाएं उसमें बहुत सारी, पूजाएं नई नई आ गई अभी, और पढ़ो आप, देखो जिसको काम करना है ना, दिक्कत क्या है, हम इतनी गंदी आदत है वो निपटाओ, ये तो फिर ऐसे तो एक ही कर पाएंगे दिन भर में, तो हमारे दिमाग में इतना सारा कार्यक्रम है, एक तो वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये सुनना है, ये करना है, ये भक्ति भी करना है, वो भी करना है, और एक बड़ा वाला प्रतिक्रमण भी करना है, छोटा वाला भी करना है, और वो श्रीमद जी वाला क्षमापना भी बोलना है मुझे, तो सबके चक्कर में सभी चला जाता है वो, ये करो ना अच्छे अच्छे से करो,
एक में सब हो जाएगा, चिंता नहीं करो आप। दिक्कत है कि ये सब मैंने कहा ना गजपंथा वाली बात, हमने दिमाग में इतना सारा सेट कर लिया कि वहाँ जाके उसी में टाइम निकल गया। वो मेरे से आप पूछो आज आप क्या करोगे, बहन श्री को एक बात पूछा आपकी दिन भर की चर्या क्या है, बहन श्री को पूछा आपकी दिन भर की चर्या क्या है, उन्होंने कहा मेरी तो आनंद की चर्या है बस, जो होता है ना जो होता है उसमें भिन्न देखती हूँ बस, ये हमारी चर्या है। क्यों आप मंदिर में क्या करोगे कि देखो मन होगा तो भक्ति करेंगे, मन होगा तो पूजा करेंगे, मन होगा तो ये करेंगे, आनंद जिसमें होगा, मैंने आनंद आनंद पहला है हमारा फर्स्ट, लेकिन हमने उसको इतनी जड़ रूटीन क्रिया में बदल दिया है कि वो उसके बाद हम इसे इधर की सोच ही नहीं पाते। उल्टा नहीं पकड़ना भैया, देखो मुझे मालूम है उल्टा पकड़ने की इसमें संभावना बहुत है पंडित जी, इसीलिए हम कल से पूजन का आप नहीं करेंगे, क्यों हमें मन ही नहीं करता पूजन करने का, अब इसलिए उल्टा रोग हो गया ये, इस रोग की दवाई दे दे तो पूजा छोड़ के भाग जाए, ऐसा नहीं करना। पूजा एक करो लेकिन उसको स्वरूप समझ के करो, एक पूजा को 10 दिन करो, नहीं मजा आए तो 10 दिन करो, एक एक छंद का अर्थ करो, नहीं समझ में आए तो पूछो, सब है ना अपने इतने विद्वान है तो सही, पूछो एक दूसरे को, लेकिन समझ के करो, बिना समझे तो बिल्कुल डेड बॉडी जैसा जिंदगी है, कोई फायदा नहीं। चलो न न्यूनम न अधिकम न विपरीतम, विपरीत भी नहीं सोचिए आप, विपरीत कैसे नहीं सोचिए वो अभी मैंने बता दिया, आत्मा का बहुत विचार चलने पर भी वो आश्रय बंद है, उसे संबंध नजर मानेंगे तो विपरीत मान रहे हैं आप। पंडित जी हमने 1 करोड़ का दान दिया तो किंचित धर्म नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, क्या विपरीत मान्यता है सर, हमने 10 दिन का उपवास किया थोड़ा बहुत तो धर्म होगा, धर्म बिल्कुल नहीं होगा, अब पुण्य भी कितना हुआ होगा ना अधिकम सोचो, जितनी परिणति में शांति रही होगी ना उतना उतना रहा होगा, दिखावा का भाव रहा होगा तो वैसा कर्म बंधा होगा, नाम बरी लग रही होगी गौरव और मान बढ़ रहा होगा तो वैसा हो रहा होगा, बहुत बहुत देखो अभी इतना सा व्रत उपवास करने में इतनी मेहनत चाहिए तो मुनि बनने में कितनी मेहनत चाहिए, मुनि बन करके भी तमाम भाव आते हैं असंख्यात लोक प्रमाण, बस मैं अभी उन्हें कह नहीं सकता, बस आप ही समझना अपने मन ही मन कैसे कैसे भाव होते हैं, उन सबको विजय करता है, इसका नाम पंचेंद्री विजय है वहाँ। आगे समझ में आया, आगे चलो, बहुत बढ़िया, तो एक इसको अधिक भाव में समझना ठीक है। देखो लोक में पवित्रता की पूजा नहीं हो पाती क्योंकि पूजा होती है पुण्य के उदय में, पवित्रता पूज्य ध्यान से सुनो, आनंद पवित्रता में है, पूज्यता पूज्यता प्रशंसनीयता प्रशंसा ख्याति वो पुण्य के उदय में होती है और पाप के उदय में निंदा होती है, फिर से सुनना ध्यान से, पाप के उदय में निंदा होती है, पुण्य के उदय में प्रशंसा होती है और पवित्रता का आनंद होता है। अब हमें कैसे मालूम पड़े पंडित जी कि हमारा पवित्रता है कि पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, ये हमें कैसे मालूम पड़े, तो देखना यदि निंदा सुन करके आपको धर्म बुरा लगने लगा तो इसका मतलब आपके पास पवित्रता नहीं है, यदि किसी की बातें सुनकर आप अपने मोक्ष मार्ग में हतोत्साहित हो गए, ब्रह्मचर्य में हतोत्साहित हो गए, पूजा पाठ में हतोत्साहित हो गए, क्रियाओं में हतोत्साहित हो गए, इसका मतलब आपके पास पवित्रता नहीं है। दृष्टांत किसी बेटे से उसके पापा की बुराई की जाए तो अपने पापा को छोड़ नहीं देता, बुराई करने वाले को छोड़ सकता है वो लेकिन पापा को नहीं छोड़ सकता वो। किसी स्त्री ने अपने पति की बुराइयां सुन ली, वो पति से घृणा नहीं करती, पाप का उदय जान सकती है, उसे भिन्न कर सकती है, उसे छोड़ सकती है, पति को नहीं छोड़ सकती, ये दृष्टांत दिया। कोई आपकी दाल रोटी चावल की बुराइयां करे, क्या भाग्यहीन हो ऐसा भोजन कर रहे हो भैया, ठीक है अमीर हैं बेबी कोई सोने की रोटी नहीं खाते, चांदी की सब्जी वो भी नहीं खाते, भैया हमारे हमारे घर में क्या है वो अपने घर के राजा, अपने घर के, और तुम रईस हो गए तो अपने घर के, माने हम तो अपने भोजन से घृणा करके फेंक नहीं देंगे, ऐसे जो भी पवित्रता प्रकट हुई है जो स्वानुभूति हुई हो जो मोक्ष मार्ग हुआ हो उसे अपयश के डर से छोड़ना नहीं, ये अधिक भाव पढ़ा रहा हूँ, अधिक भाव ये दोनों अधिक भाव हैं। एक पॉइंट हुआ क्या कहा, पाप के उदय में नफरत नहीं करना अपने मोक्ष मार्ग से अपने भगवान आत्मा से अपने ध्रुव स्वभाव से, जैसे तुम इतनी कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका अभी अधिक भाव नहीं सुधर रहा,
हेतु नहीं सुधर रहा, ये हेतु तो अधिक भाव है नहीं सुधर रहा। तो अब एक काम करो, घृणा नहीं करना इससे, ध्रुव स्वभाव से, ज्ञायक स्वभाव से। हे तो सम्यक दृष्टि मर के नरक चला गया, तो ऐसे सम्यक दर्शन से क्या फायदा, मुझे नहीं करना ही, इसके चक्कर में इससे मत छोड़ो। लेकिन ये कब नहीं छोड़ोगे आप, जब परिणति में पवित्रता होगी। इसलिए फिर यहाँ की बात कर रहे हैं आप, यहाँ की बात कर रहे हैं आपको, इसे जान करके पवित्र हो जाओ, तुम पवित्र भगवान आत्मा हो, ध्रुव हो, ज्ञायक हो, ऐसा जान करके यहाँ पवित्रता प्रकट होगी, वो कभी नहीं चूकेगी। दृष्टांत दे दिए दो तीन अभी आगे, दुनिया में पैसे की महिमा आती तो चाहे जितनी बुराई उठा के भी पैसा छोड़ता नहीं। ऐसे ही स्वभाव की आश्रय, स्वभाव का श्रद्धान नहीं छोड़ना। कुछ बात याद आई होगी आपको पुराणों की, सीता ने कहा था जिस औदयिक भाव के चक्कर में आपने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ना, स्वभाव की श्रद्धा नहीं छोड़ना। इस अशरण संसार में एक जिन धर्म ही शरण है, इस श्रद्धा नहीं छोड़ देना। रामचंद्र जी को जब ये मैसेज मिला हो तो कैसे फूट फूट के रोए होंगे कि हाय हाय पाप का उदय, कैसा अनिवार्य है, अनिवार्य जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। मैं आज चाह करके भी सीता को ला नहीं सकता हूँ, मेरा बस चले तो आज सीता को ले आऊँ। मैंने उसे जंगल में पहुँचा कर इतना कष्ट दिया प्रेग्नेंट कंडीशन में, और वो कह रही है कि उनसे कहना कि मेरा तो कर्म का उदय है, आप बिल्कुल अकर्ता भाव देखना, अकर्ता की श्रद्धा नहीं छोड़ना, आप ज्ञाता ही देखना, आप मोक्ष मार्ग में अपने को अटकाना नहीं, आप भगवान बनना। ऐसी बात सुन के कैसा लगेगा बोलो, कि मैं तो उसे इतने कष्ट दे रहा हूँ, वो मुझे पापोदय से घृणा नहीं करना, पापोदय से नहीं, पूरा सुनो, पापोदय में भी पारनामिक भाव से घृणा नहीं करना, अपना आ जाए तो भी, और व्यवहार में धर्मी धर्मात्माओं का आ जाए तो उनसे भी घृणा नहीं करना। साधारण बात सल की जरूरत कब पड़ती है, पाप के उदय में, पुण्य के उदय में क्या जरूरत पड़ती है, पाप के उदय में जरूरत पड़ती है। अरे रे, आगे समझ में आया, देखो मैंने बहुत सोचा, मुझे तो इतना चिंतन चलता ही रहता है इसका, मैं डॉक्टर साहब का नाम लू, डॉक्टर साहब का नाम, पाप का उदय हो सकता है, लोना वाला ऐसा वैसा दे हो सकता है, कोई बड़ी बात है, जो कर रहे हैं उनसे भी हमें घृणा नहीं है, क्योंकि कर्म का होता है, वे तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन मुझे उनके उनके कर्तृत्व में शंका नहीं है, मुझे गुरुदेव के प्रति उनकी निष्ठा में शंका नहीं है। मैं बहुत खुल के एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों को आत्मकल्याण नहीं करना उन्हें दूसरों की योग्यता में शंका होती है। क्या कहा, क्या कहा, जिन्हें अपना आत्मकल्याण नहीं करना उन्हें दूसरे के कल्याण में शंका, आत्मा योग्यता में शंका होती है, होती है बहुत लोगों को होती है। मेरे प्रति भी लोगों को ऐसा लग सकता है ये गुरुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा को नापते हैं अपने स्टाइल से, आप बैंसरी की जय बोलते हो, नहीं बोलते, एक ज्ञानी में बद्धा ज्ञानी आ भी जाए छे, इसका मतलब आप पूरे जैन शासन को ही नहीं मानते। पहले तो ऐसी ऐसी भाषा लिख दी जो ऐसा नहीं करता वो जैनज न थी, ये भैया इतनी जल्दी जैनज न थी, हम कह रहे पूरा वर्ल्ड जैनज और तुम कह रहे जैनज न थी, जरा ऐसा नहीं बोला जैनज न थी, अरे क्या गजब हो गए। मैं इसकी ज्यादा कहानियां नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बहुत बुरी हालत हुई जिन्होंने ऐसा करा, अच्छी बात नहीं, अपन तो नहीं करेंगे भैया, अपन तो सबको गले लगा के चलने वाली वाली बात है। मैंने बहुत सोचा, लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब पूजा नहीं करते, धोई दुपट्टा पहन के पूजा नहीं करते, काहे के श्रावक, काहे के पंडित जी, काहे का फला, काहे का वो, मैंने कर सकते, लेकिन आप पूजा कहते कैसे पहले जी बता दें। आप एक घंटा पूजन करते हो, 23 घंटे टीवी देखते हो मान लो, और वो एक घंटा पूजन नहीं करते उस समय भी वे समय सार जी का अनुशीलन करते हैं, बोलो आप पूजा करते हो ना, उसका पुण्य पाप का फल आपको ही जाने वाला है और किसी को नहीं मिलने वाला, लेकिन वो जो अनुशीलन लिख के जा रहे हैं ना, वो आने वाले भविष्य के सैकड़ों लाखों आने वाले भव्य जीवों के भाग्य से, जैसे बनारसीदास जी लिख गए, जैसे स्वामी जी का समय सार रत्नाकर आ गया, प्रवचन रत्नाकर आ गया, वो ऐसा काम कर रहे हैं। अब बंदा क्या करना है आपको,
मैं कहता हूँ आज मैं चैलेंज करता हूँ, माई का लाल हो कोई समय सार न, सॉरी नए चक्र परम भाव प्रकाशक नए चक्र पढ़े बिना कोई नए चक्र समझ जाए इसमें। विद्वानों से कह रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, तुम तो बहुत हल्के हो अभी, विद्वानों से कह रहा हूँ उनके नए चक्र को समझे बिना कोई नए चक्र समझा के बता दे मुझे। क्रमबद्ध पर्याय उनने जितना खुलासा किया उसके पहले कोई समझा के बता दे कोई, उसे गौण करने के बाद कर दो उस चीज को गौण। अब देखो दस धर्मों पर जितना बढ़िया चिंतन उन्होंने दिया है जिस पर स्वामी जी ने तारीफ की, कोई माई का लाल करके दिखाया उसको बिल्कुल। अब हमें ये पूजा नहीं दिखती कि 24 घंटे उन्हें जिन्हें देव की भक्ति है, आज तक बाजार जाके सब्जी खरीदने नहीं गए, वो पत्नी के कपड़े खरीद के आज तक नहीं लाए। कोई भी कैसे ही पति होगा लेकिन अपनी पत्नी को कभी ना कभी तो गिफ्ट देता ही है, उनने आज तक अपनी पत्नी को गिफ्ट नहीं दी। ऐसा नहीं कि चलो बम्बई गए अमेरिका गए तो एक अंगूठी खरीद लाए मिसेज खुश हो जाएगी, आज तक मिसेज ने तो उनका ध्यान रखा होगा खाने पीने का कपड़े का, उनने ध्यान नहीं रखा आज तक। वे कहते हैं मैंने आज तक मार्केट में जाके अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, मैंने ये चॉइस नहीं की ये कपड़ा कि ये कपड़ा, बच्चे जो ले आते हैं वो मैं बनवा लेता हूँ बस खत्म। मैंने आपको नहीं लगता है, मैंने आप पूजा पाठ भक्ति कहते किसको है? आप फिर लगाओ इस चीज़ से तर्क से साथ थे। मैंने हम 15 मिनट की एक क्रिया कर लेते हैं तो ओ हूँ मोटो पुजारी छूँ। और भी आपको पता है रात को 10 बजे 9 बजे सो जाती और 3 बजे उठ के अनुशीलन लिखती। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे कोई डॉक्टर साहब को पक्ष करना है कि रो रहे नहीं कह रहा हूँ, आप देखना सीखो ये कह रहा हूँ। और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ता है। देखो डॉक्टर साहब पूजा पाठ छोड़कर टेलीविजन देख रहे हों, पूजा पाठ छोड़कर अखबारबाजी कर रहे हों, पूजा पाठ छोड़कर गपशप मार रहे हों तो गलत अपन से कहेंगे नहीं तो कुतर्क है। तो यहाँ पर यही तर्क कुतर्क बदल जाएगा, यही तर्क कुतर्क में कहलाएगा वो। इसका मतलब है कि आप राग का पोषण मत करिए, स्वच्छता का पोषण मत करिए, डॉक्टर साहब का नाम लेकर तुम पूजा मत छोड़ देना, हमारा नाम लेकर आप मत छोड़ देना। क्यों? अंदर से जितनी स्टेबिलिटी होगी ना तब आप बाहर कर पाओगे, अंदर तैयारी नहीं होगी तो बाहर आप बदनाम हो जाओगे। समझ में आया कुछ? पवित्रता पाप और पुण्य औदिक भाव है, इधर इधर औदिक भाव है, आप अलर्ट रहिए। इसी को समझाने के लिए थोड़ा और खुलासा करता हूँ। हम सबकी एक मान्यता है हम पाप के उदय में दुखी होते हैं, पाप का उदय दुख देता है, पाप के उदय के कारण दुखी होते कि नहीं होते? असाता बेदनी से बीमारी आती कि नहीं आती? असाता बेदनी से दुखी होते कि नहीं होते? तो यहाँ भी ये समझ लीजिए, इस पॉइंट को फिर समझ लीजिए, पाप पुण्य का उदय किसी को सुखी दुखी करने में कदापि समर्थ नहीं। देखो इसको आप सुना है आपने और मेमोरी में भी होगा, लेकिन आप इसको सॉल्व करो पहले। आपको क्या लगता है? मैं पूछ रहा हूँ इधर, आपको क्या लगता है? मेमोरी के बल पर मत बोलो, हाँ हाँ बात सही है बात सही है। आपको क्या लगता है पाप का उदय आ जाए? बोलो, आप आज काम ना कर सकते हो पाप का उदय आ जाए, बीमारियाँ आ जाएं, व्यंतर आ जाए, तैयार हो बोलो कहने के लिए? तो झट धूझ जाएंगे अपने, भैया भगवान कैसी खोटी खोटी बातें कर रहे हो, कभी ना आए। इसका मतलब आप भयभीत हो, वेद विज्ञान की टॉर्च हाथ में लो, आप लो आप क्यों नहीं आए पाप का उदय, क्यों नहीं आना चाहिए? ये तो ऐसी बात हो गई, आपने पहले लोन लिया हुआ था, क्या कहलाता है, डेबिट क्रेडिट लिया हुआ था, क्रेडिट लिया हुआ था नहीं उधार लिया हुआ था, आपने क्रेडिट लिया हुआ था उधार, पैसे वापस वसूलने नहीं आए हैं बोलो। आपने कार खरीदते समय तो बड़ा मजा आ रहा था, अरे भैया बैंक बहुत अच्छी, बैंक का मैनेजर बहुत अच्छा, ओ कार मिल गई, अब पैसा वसूलने आ रहा है तब? ये भगवान कभी ना आए, ये तो ये बेईमानी नहीं है? बेईमानी नहीं है? मैं कहता हूँ आज अपन संपन्न है, कॉल करो सबको, भैया जिन जिनका पैसा लेना ले लो भैया, कॉल कर रहे हैं हम तो सबको बोला, ये ईमानदारी की परिणति है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कभी ये नहीं सोचते कि पाप का उदय नहीं आए, उसकी तो भावना है भैया जितना पाप का उदय हो अभी आ जाओ, क्यों मैं संगी पंचेंद्री कंडीशन में हूँ, मैंने संपन्न कंडीशन में हूँ, अभी मुझे गुरुदेव मेरे सिर माथे पर है, अभी तत्वज्ञान मेरे सिर माथे है, अभी अनंत भगवान की वाणी मेरे सिर माथे, अभी सब आ जाओ,
मैं भेद विज्ञान कर लूंगा, अभी मैं समर्थ हूं, कल मैं एक इंद्री दो इंद्री में समर्थ नहीं होऊंगा, तब कर्जा तो चुकाऊंगा लेकिन भेद विज्ञान नहीं कर पाऊंगा। बोलो भैया, एक इंद्री में कर्जा चुकाना है कि संगी पंचेंद्री में? बोलो, समाधि मंड मैंने बहुत प्रयोग किए इस तरह के, बीमारी आना पुण्य का उदय, ये लिखा मैंने, नहीं समझ में आई? सुनना, समाधि मंड में बीमारी आना पुण्य का उदय है। देखो देखो, सुनो मेरी तरह से, जैसे अभी आपका हेल्दी हो, सब अच्छे हो, तो हर कोई आपको कॉल करेगा, भैया लड़की देखने जाना है, चलो भैया तो हम एक मकान खरीदना, जरा आप देख लो, भैया एक गाड़ी खरीदना, जरा आप आ जाओ, भैया वो हमारा जरा पढ़ना है, जरा आप जरूर आना। अब नहीं जाओ तो बुराई हो जाएगी, सगाई शादी में नहीं जाओ तो बुराई हो जाएगी, बीमारी हुई, अच्छा से तो कई बात नहीं, कितना पुण्य का उदय आएगा, बेटा नहीं कहेगा दुकान चलो, बहू नहीं कहेगी चौका में चलो, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, बीमार है भैया साज संभाल करना, भैया उनका ध्यान रखना भैया, अब 24 घंटे फ्री, 24 घंटे फ्री, अब जितनी 60-70 साल 50 साल में पढ़ाई करी हो, खूब लगे भेद विज्ञान, लगे भेद विज्ञान, एक ही काम है बस, करो भेद विज्ञान बस। अब ऐसे जीव के लिए तो पुण्य का उदय है, समझ आया कि नहीं आया? अब जिस देखो दृष्टिकोण की बात है, आप सोचो, तो भेद विज्ञान करने वाले को कभी पाप का उदय नहीं दिखाई देता, और जो जिन्हें दुखी होना हो, जिन्हें दुखी होना हो, उन्हें पुण्य का उदय में भी दुखी होता है। क्या कहा, फिर से सुन लो आप, यदि नहीं याद हो तो फिर से सुन लो, मैं कई पहले सुना चुका हूं एक दो बार, आज फिर सुना रहा हूं आपको। जी पापोदय से नहीं, पाप भाव से दुखी होता है, एक कैलेंडर पे भी लिखा होगा शायद, कैलेंडर है ना आपके, उस पे भी लिखा होगा, जी पापोदय से नहीं, पाप भाव से दुखी होता है, जी पुण्योदय से नहीं, पुण्य भाव से सुखी होता है, लोक व्यवहार में पुण्योदय से नहीं, पुण्य भाव से सुखी होता है। मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं, केवल शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, माने बहुत मिनिमम आवश्यकताएं थी, मिनिमम, लेकिन जिसके भाग में दुख लिखा है वो करोड़पति बनना चाहता, अरबपति बनना चाहता, खरबपति बनना चाहता, और जाने क्या क्या बनना चाहता, वो देश में जाना चाहता, विदेश में जाना चाहता है, पागल है। जिनका दुर्भाग्य है उनके खोटे विचार होते ही चले जाते हैं, ओल्या काय के लिए। मैंने एक दृष्टांत दिया है, एक महिला दो रोटी खाती थी, लेकिन एक दिन उसको दिमाग चढ़ा, गिनीज बुक में नाम आना चाहिए कि 80 साल की उम्र में 3 दिन तक लगातार रोटी बनाती रही, ऐसा दिमाग में कीड़ा घुस गया, कीड़ा समझते, सब बस अब बैठ गई 80 साल की महिला, अब दम नहीं है 3 दिन तक, लेकिन रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए, दुनिया क्या कहेगी, खाई नहीं रोटी एक, क्योंकि उसको बिल्कुल कंटिन्यू रोटी बनानी थी 3 दिन तक, ताकि वर्ल्ड में ऐसा रिकॉर्ड कोई तोड़ ना पाए। अब आपने कभी रिकॉर्ड बनते देखे हो तो आपको पता होगा, मैंने तो अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, गायन का रिकॉर्ड 3 दिन 4 दिन 7 दिन लगना गाने गाया जा रहा बेचारा वो, तो फिर वो पहले से वो मीडिया आ जाती सारे, अरे गाओ एक एक सेकंड की कीमत, एक एक सेकंड की गजब बिल्कुल, और तालियां और उनको ऐसे सब आ गए उसके पास, 80 साल की महिला के पास, माताजी बस थोड़ी ताकत और लगा, माताजी बस 1 मिनट और बाकी, बस वो आखिरी रोटी बना के लुढ़क गई, 3 दिन रोटी नहीं खाई थी, मर गई बेचारी। अब मैं कह रहा हूँ गिनीज बुक को खाएं कि जी मर गई, ये तो दृष्टांत दिया उसका गिनीज बुक का, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ मेरा तो सच में ऐसा इच्छा होती है, मेरे हाथ में वीडियो कैमरा हो और मैं एक एक मरने वाले कलाकार जितने हैं तुम्हारे, चाहे हीरो फिल्मों के हों, चाहे इंडस्ट्री के हों, और चाहे जो तुम्हारे नेता हों, कलमाड़ी को मरते दिन दिखाऊँ, उस दिन का दिखाऊँ जो पहले कर रहा था वो उल्टा सीधा, और उस दिन की प्रॉपर्टी बताऊँ, देखो इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के मरा, क्या सेंस है। हाँ भगवान, किसी खोटी बुद्धि मत हो, अपना सारा टैलेंट इधर लगाओ, सारा तन मन धन इसमें लगा दो, बस खत्म। भेद विज्ञान करने की कला सीखने में बहुत मेहनत चाहिए, पापोदय से कोई सुखी नहीं हो, दुखी नहीं होता, पाप भाव से दुखी होता है, इसका मतलब पुण्योदय में भी पाप भाव हो तो दुखी होता है,
देखो इस बच्चे को कुछ नहीं आता तो ये भी दुखी, और इनको इससे ज्यादा आता तो भी दुखी, और इनको इससे ज्यादा आता तो भी दुखी। देखा नहीं देखा, लखपति भी दुखी, करोड़पति भी दुखी, अरबपति भी दुखी। क्यों? क्योंकि लखपति सोच रहा मैं करोड़पति हो जाऊं, ये पाप भाव, पाप भाव से दुखी। ये सोच रहा मैं ऐसा हो जाऊं, ये पाप भाव से दुखी, और करोड़पति अरबपति भी दुखी। तो सारे मूर्ख एक बराबर हुए कि नहीं हुए? जे बीए करके दुखी, जे इंजीनियरिंग करके दुखी, जे जे एमबीबीएस करके दुखी। क्या बताऊं पंडित जी, पीएमटी तो क्रॉस कर लिया लेकिन थोड़े दो नंबर आ जाते तो मेरा हार्ट फैकल्टी में मिल जाता, वो भी दुखी। और हार्ट वाला कह रहा है पंडित जी पांच नंबर और आते तो अमेरिका चला जाता। अमेरिका वाला भी दुखी होगा, पता नहीं कहाँ जाने की सोच रहा होगा वो। ये बात पक्की है। मैं बॉम्बे जाता हूँ ना, बॉम्बे तो बॉम्बे के लड़के ऑस्ट्रेलिया गए, अपने सहधर्मियों के गए बच्चे ऑस्ट्रेलिया, तो हमसे मिल के गए वो। मैंने समझाया बच्चे, अब फिर बाद में अखबारों खूब समाचार आया था, इधर मम्मी रोती रहती बेचारी, ऑस्ट्रेलिया में लड़के को चक्कू मर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, दुखी मन में क्या कर क्या होता। बोला फिर सुन लो भैया, टैलेंट केवल आत्मज्ञान करने का नाम है, बाकी किसी का नाम नहीं है। अपन टैलेंट का दुरुपयोग करते हैं। आपको जो पुण्य का परिक्रह मिल गया ना, सामग्री मिल गई, ये सदुपयोग के लिए मिली है, बेवकूफी के लिए नहीं मिली। उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में है ही नहीं कोई। मैं फिर कहता हूँ आप बनाना पिक्चर है द्रवेश, तुम बनाना ये पिक्चर, मरे हुए का कितना सोल छोड़ के गया और कैसे कमा के छोड़ के गया और क्या पा के गए भगवान बनने का मार्ग कहाँ, बेचारे होश नहीं। मैंने उस सीरियल का नाम रखा था बहुत साल पहले जब कॉलेज में पढ़ा रहा था, उस सीरियल का नाम होता यदि मैं बनाता, तो बनाना तो मुझे है नहीं, यदि मैं सीरियल बनाता तो देश का पैसा देश में, सीरियल ऐसा होता उसका नाम था, टाइटल देश का पैसा देश में। वो कमा कमा के मर गया, लेकिन देश का पैसा देश में रहता है, देश की प्रॉपर्टी देश में रहती। जैसे आप 50 बंगला बना लो तो एक में रहोगे, दो में रहोगे, 48 में देशवासी रहेंगे तो आप खुश हो जाते, 48 किराएदारों से ऐसा आएगा तो वो बैंक में जमा हो जाएगा, तो वो बैंक का पैसा बैंक में, फिर वो वहां से फाइनेंस करके वो फैक्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, तो देश का पैसा देश में, वो इंडस्ट्री में से जो माल प्रोडक्ट होगा वो देशवासी खाएंगे, और तू मूर्ख कागज रखे रहेगा बस। पंडित जी इतना शेयर, इतनी बिल्डिंग, इतने इतना फील्ड, क्रॉप्स, चूल्हे, बेवकूफ क्या कहूं, अरे रे दया आती है देख करके। बहुत 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 पुराना गणित है मेरा, आज का नहीं है, बहुत पुराना गणित है। सही बताऊं मैं उसी का आनंद भोगता हूँ 24 घंटे। भैया अपने तो कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया क्या कहेगी, फ्रेंड सर्किल क्या कहेगा, कंपनी क्या कहे। मैंने तो कॉलेज में भी मैंने बताया, मैं ऐसे कपड़े पहन के गया हूँ, सिंपल 125 रुपये का कुर्ता पजामा पहन के गया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा स्टूडेंट क्या सोचेंगे और प्रोफेसर क्या सोचेंगे। एक बात, एक दो बार मेरे एक प्रोफेसर थे, बहुत एल्डर थे, बहुत बड़े थे, सीनियर, तो वो ऐसा बोलते थे मुझे देख करके, सीनियर प्रोफेसर थे, ऐसा कहते थे भाई गवर्नमेंट को एक ड्रेस कोड तो होना चाहिए। मैंने कहा होना चाहिए बिल्कुल, मैं खुश होकर कहता था बिल्कुल होना चाहिए, आप प्रस्ताव करिए और इस पर एक बहस होनी चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, ये सूट टाई हमारा होया कि नहीं, कौन सा कल्चर, मैं भी बहस करूंगा उसमें। और हेल्थ वालों डॉक्टर को ही बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए सूट टाई क्यों पहनना चाहिए। मूर्ख कहेंगे गर्मी पड़ रही मई जून की और सूट टाई में टंगे चले आ रहे वहां सूट टाई इसलिए पहनते बेचारे, वो ठंडा ठंडा देश है, वहां बर्फ गिरती, वहां उन्हें मजबूरी बेचारी, इसलिए वो सूट टाई कस लेते। तू तो मूर्ख है, शादी के दिन मई जून के दिन और घोड़े पे बैठा चला जा रहा है, अंदर अंदर ओवन जैसा बफा रहा है अब हम बहुत क्या कहने, हाँ हाँ भैया बहुत विचार करना। पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय प्रॉपर्टी से कोई सुखी नहीं होता, पाप भाव से उस समय भी दुखी होता है, और पाप का उदय होने पर भी जो पुण्य भाव है, भेद विज्ञान का भाव है, आहा उससे जीव सुखी होता है। फिर समझना संयोग और संपत्ति से कोई सुखी नहीं होता, भेद विज्ञान के बिना जगत में कोई सुखी नहीं होता।
मैं तो कह ही देता हूँ हंसी हंसी, मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी इतनी तो मैं से किसी के पास नहीं, जितनी जितना संयोग संबंधी रिश्तेदार बात्सल्य युक्त माताएं बहनें बहुएं मेरी हैं उतनी तो तुम्हारे पास है ही नहीं। बहुत अब बोलना संयोग संयोग और संपत्ति किस काम की होती बोलो। यदि भोगता भी हूं तो अभोक्ता स्वभाव के आश्रय से मैं भोगता हूं। नहीं समझ में आया? बताओ दुनिया में सबसे बड़े भोगी कौन? एक बार प्रश्न पूछा था, सबसे बड़े भोगी कौन? कि दिगंबर मुनिराज। इससे बड़ा कोई भोगी नहीं है, योगी ही सबसे बड़ा भोगी है। सारी पृथ्वी उनकी लेटरिंग है, लेटरिंग समझते टॉयलेट, आपका तो जरा सा ही होता है 2x2 का 3x3 का, बहुत छोटा होता है वो तो, उनका तो सारी पृथ्वी। जहाँ गए वहीं वहीं उनका बेडिंग रूम कहाँ है? कि सारी पृथ्वी उसकी सफाई कौन करता है? वे सोचते तक नहीं और सारी पृथ्वी साफ मिलती उन्हें, नेचुरल। आप क्या समझोगे बोलो? हाँ, तुम्हारा भोजन कौन बनाएगी? तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारी पत्नी यहाँ तो बनाती है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन ऐसे भी दुर्भाग्यशाली बेचारे शादी करके लाते हैं, उसके हाथ की रोटी नहीं मिलती खाने को, उसके हाथ की रोटी तो नहीं मिलती लेकिन वो परस्ती तक नहीं आजकल, क्यों बराबरी से दो ही बैठ जाती हैं और अपना अपना लेते जाती हैं, खाते जाती हैं, एक दूसरे को परस्ते तक नहीं है। वो नौकरानी बनाती है ये खाती, लेकिन दिगंबर मुनिराजों को आहार कराने वाली चक्रवर्ती की पटरानी कौन? अब बोला सबसे बड़ा भोगी कौन? भोगी भोगी बोलो। तुम तो चांदी के बर्तन भी रखते हो तो अपने खाते ही नहीं हो उसमें, खाया करो। रखे रहते हो पंडित जी, घिस जाएगा 50 ग्राम, घिस गया 10 साल में, तो 50 ग्राम चांदी कितने की? रखे रहो बस, चलो छोड़ो क्या कह रहे। बहुत समझ चाहिए भैया है, समझ में आए। धर्मी धर्मात्माओं से घृणा नहीं करना, बराबर। अब फटाफट जल्दी जल्दी करें, अब बस औदयिक भाव को मुख्य नहीं करना जिंदगी में। अब इस पर भी बहुत कहा जा सकता है, आज जितना विघटन हो रहा है मोक्ष मंडल का वो औदयिक भाव को मुख्य करने से हो रहा है। उनको वैसा औदयिक भाव पसंद है, उनको वैसा औदयिक भाव पसंद है, उनको ऐसी कथन शैली पसंद है, उनको ऐसी शैली पसंद है, उनको ऐसी शैली। एक एक नगर में 3-3, 4-4 ग्रुप, वे अपने घर में बैठ गए, वे वहाँ बैठ गए, वे वहाँ बैठ गए, उनने वहाँ बना लिया, उनने बिल्कुल रॉन्ग। आप चारों अनियों का आदर करिए, शैलियों में विभाजित नहीं करिए, नंबर एक पहला पॉइंट, चारों अनियों का आदर करिए। मंदिर में यदि पद्म पुराण पढ़े तो भी आप पारिणामिक भाव के बल पर सुनिए, ये आपका कर्तव्य है। अभी अपने ऋषभ भाई वहाँ गए थे मलकापुर, आज उन्होंने वहाँ की रिपोर्ट दी, मोक्ष मंडल के 2 मंदिर हैं अपने, एक मंदिर में 20 पंथ आमना है, प्रबलता से कोई स्वाध्याय तो होती है लेकिन गुरुदेव का नहीं सुनती, ट्रस्ट के मंदिर हैं अपने ही, और इस मंदिर में जहाँ पर है वहाँ पर ये 15-20 लोग बचे, और समाज का हर साल इलेक्शन होता है तो उसमें सारे सारे वो मित्र पक्ष आ गए, अपने आते ही नहीं कोई चयन में, तो अब उनका दबदबा हो गया। उस मंदिर में भी वही सारी सारी पट्टी होती जो परेशानियाँ सारी सारी। मैंने क्यों हुई? मैंने इसलिए हुई कि जो बड़े समझदार हुए थे वे अपने घर में बैठने लगे, भैया स्थूल मंदिर में तो स्थूल चलता है, हम तो अपने घर ही गुरुदेव को सुन लेते हैं, हम अपने घर में ही पढ़ लेते हैं, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, और हमें तो अब सूक्ष्म चाहिए। इस चक्कर में मंदिर में 1 करोड़ रुपया है, लेकिन ये नहीं कि 10-5 लाख रुपया पाठशाला पर खर्च कर दें, बच्चों को जोड़ने पर खर्च कर दें, बस लगा दे दें, फला कर दे, इसमें दिमाग नहीं चलता। क्यों? उसमें किसी न किसी को दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आप सबको खुल के कह रहा हूँ, यदि आज आप राजनीति में होते मोक्ष होते हुए तो बोलो राजकारण का सोचते कि नहीं सोचते, अपना वोट बैंक बढ़ाने के बारे में सोचते कि नहीं सोचते, आप पॉलिसी में जैनों का प्रभुत्व बढ़ाने के बारे में सोचते कि नहीं सोचते, ऐसे ही जैन समाज में जैन मंदिर की जैन तत्वज्ञान की गुरुदेव के तत्वज्ञान की प्रभावना कैसे हो, बच्चे कैसे जुड़ें, युवक कैसे जुड़ें, समाज कैसे जुड़े, इस पर पैसा खर्च होना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ ये इनको देखते हो आप सुरेश जी को, ये दिन भर में 15 घंटे से ज़्यादा मेहनत केवल इसी के लिए करती है, निःशुल्क नेचुरोपैथी, एक आदमी आ जाए तो उसे समझाने लगेंगे, 2 आ जाएंगे तो उन्हें समझाने लगेंगे, रात को आ जाए तो रात को समझाएंगे, फ़ोन पे भी समझाने लगेंगे, मतलब जितना टैलेंट है उसका पूरा प्रयोग,
चार छह महीने बच्चों को कैसे जोड़ना है, पूरे आप कल्पना कर सकते हो कितने हजार बच्चे जुड़े थे इस साल टोटल? टोटल 25,000 बच्चों को, 13,500 बच्चे, उन्हें कैसे गांव गांव जा जा करके मेहनत होती। भाई अपन क्या सोचते हैं, आ तो जड़ की क्रिया छे, आ तो परद्रव्य नो पढ़ना मन छे, आमा मारू का इन लागतू नथी। ये गंदी बात है। छठे गुणस्थान तक प्रभावना का प्लान बनाना चाहिए। चौथे पांचवें गुणस्थान में भी हो तो आपको प्लान बनाना चाहिए, चाणक्य की तरह सोचना चाहिए कि कैसे। अब वो मंदिर 10-5 साल बाद जाने वाला अपने हाथ से, मलकापुर का भी पालेज का मंदिर अपने हाथ से चला गया, बैठ गए देवी देवता वहाँ, और 60 फोटो ऐसे लगे जिन्हें हम नाम लेने में अच्छा नहीं लगता, ऐसे फोटो लग गए उस मंदिर में। क्यों लग गए? कि हम अपनी स्वाध्याय सिमटते जाते हैं, चार चार के ग्रुप में, चार चार जो चार जगह बैठता है, अलग अलग बैठते हैं, अपने में तीन तीन चार चार बना लिए फॉलोवर, ये सबसे खतरनाक काम है। औदयी भाव को ऊर्ध नहीं करो। हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, ज्ञायक भाव ने ऊर्ध राख जो, हम हर उस व्यक्ति के साथ बैठने तैयार हैं जो ज्ञायक भाव की चर्चा सुनने तैयार है। वो प्रथमानुयोग से सुनेगा तो भी मैं यही सुनाऊंगा, चरणानुयोग से भी यही सुनाऊंगा, द्रव्यानुयोग करणानुयोग से भी यही सुनाऊंगा मैं उसे। हम सबसे घुल मिल के बैठेंगे। क्यों हम नहीं बैठेंगे तो नए जैन निकलेंगे कहाँ से? अब मुमुक्षुओं की एक प्रॉब्लम सुन लो, कि उनका एक एक लड़का होता है आजकल, और पढ़ लिख के अमेरिका चला जाता है, तो अब वहाँ पे उनके बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारे बच्चे जीरो होते जा रहे हैं। उस गांव की घटना सुना रहा हूँ मैं आपको, वे पढ़ लिख करके बड़ी सिटी में चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, और वे बड़े जैसे वो क्या है रणासन वगैरह, ना रणासन वगैरह केवल दो फैमिली हैं, चार आदमी बस, बुजुर्ग बिल चार, अब कोई है ही नहीं। हो ये मंदिर खाली करने की विधि है। हम फिर कह रहे हैं भैया खूब प्लान बनाओ, खूब प्लान बनाओ खर्चा करने का, पैसे की जरूरत पड़े तो और हमसे लो, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता नहीं करो, खूब प्लान बनाओ, खूब खर्चा करो। मुझे सबसे ज़्यादा तारीफ लगती है राजकोट की। सबसे पहले उन्होंने 25 लाख रुपये खर्च करके बिल्डिंग बनाई, क्लासेस रूम बनाई, मैंने जैसे कॉन्वेंट स्कूल होता है जस्ट लाइक सेम पैटर्न, हर क्लास रूम में माइक लगा हुआ है, हेड ऑफिस है वहाँ बाकायदा हेड मास्टर का, हेड मास्टर के ऑफिस से सूचना दी जाती है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आज अपने पंडित जी साहब आए हैं, आप सबके कमरा चेक करने आ रहे हैं, आज वो आपको ही शिक्षा देंगे, आज ऐसा कर, मैंने वहीं से अनाउंस, बिल्कुल कॉन्वेंट पैटर्न, देख के आइए आप सब लोग, देख के आइए उस चलने वाले को, और कितने सारे बच्चे 50% नॉन जैन आते हैं, 40-50% नॉन जैन आते हैं, गाड़ियाँ लेने जाती दूर दूर, बच्चे आते हैं और पूरी 1.5-2 घंटे पढ़ाई होती है, स्कूल जैसे पीरियड लगते हैं उनके, 14-15 से ज़्यादा कक्षाएं लगती हैं, आपके यहाँ भी लगती हैं काफ़ी अच्छी, लेकिन अभी ऐसी बिल्डिंग बनाओ एक स्कूल जैसी गवर्नमेंट जैसा स्कूल बनाओ, अभी तो बेचारे कोई वहाँ बैठ जाता, कोई वहाँ बैठ जाता, कोई वहाँ बैठता है, भल लग जान दो पैसा, कोई चिंता नहीं। मेरा मतलब है पैसा तो एक नहीं बचा के रखना मंदिर में, पूरा पैसा खत्म कर दे और ले आओ, मैं अपना तो ऐसे ही सो जा रही है। ये हमारे चलते फिरते भगवान हैं, भविष्य के भगवान हैं सारे के सारे। आगे समझ में आए भैया, बहुत व्यापक सोचना, ऊर्ध नहीं करना, किसको? औदयी भाव को। मैं एक सरल एग्जाम्पल दूं, हम एक दूसरे से बहुत घृणा करते हैं, अभी तो शैलियों के बल पर घृणा करते हैं, इसलिए मैंने इतनी बात कही, लेकिन मुझे समाज में हर आदमी पसंद है। एक आदमी केवल पूजा भी नहीं करता, केवल दर्शन करके चला जाता है, लेकिन राजनीति में आ गया है, ऐसा भी चाहिए एक आदमी, ऐसा भी चाहिए। क्यों? अभी यार कोई झगड़ा हो जाए ना तो मेरे से पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, और आप भी पुलिस वालों से कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन वो जो होगा ना वो झट आगे आ जाएगा, क्या बात है, फ़ोन घुमा देगा, झट काम हो जाएगा। सारे मोक्ष मंडल शांत बैठे थे टीकमगढ़ की घटना में, पवन जी काम आए, आडवाणी को फ़ोन किया सीधा पवन जी ने, आडवाणी से। अब तुम कहो पवन जी आडवाणी से क्यों मिलते हैं, बीजेपी से क्यों मिलते हैं, कांग्रेस से क्यों मिलते हैं? अरे ऐसी योग्यता भी चाहिए, ऐसा भी, सारी उंगली ऐसी नहीं चाहिए, जे सुमत प्रकाश, जे तुम, जे बे और जे अजी, सभी चाहिए, तभी मुट्ठी बनेगी जोरदार। एक पड़ेगा एक पड़ेगा माने संगठन संगठन में शक्ति होती तो ऐसी होती है। बच्चे भी चाहिए, युवक भी चाहिए, माताएं बहनें भी चाहिए, ये भी चाहिए, सबकी योग्यता अलग अलग चाहिए। समाज में गरीब भी चाहिए, अमीर भी चाहिए, सब चाहिए। हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, सबसे मिलकर एक संगठन बनता है,
ये इसको मैं आप कहो तो 2 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ इस बात पर केवल, लेकिन आप अपने दिमाग को बहुत ब्रॉड रखना थोड़ा सा। कभी किसी की योग्यता की आलोचना करने की जरूरत नहीं है, जैसी योग्यता है वो जैन शासन के लिए जरूरी है। हाँ, उसके कल्याण के लिए वो अभी नहीं हो सकती है तो भविष्य में हो जाएगी। एक बहुत सुंदर बात कहूँ, जैसे जतीश भाई जी, तो उनकी योग्यता अलग प्रकार की है, वो काम की है। डॉक्टर साहब की योग्यता काम की है, धन कुमार जी बेलोकर जी की योग्यता काम की है, बसंत भाई उनकी योग्यता एक अलग जाति की, वो काम की है, तब जाके अपना पूरा देश का मंडल चल रहा है। अब सबके सब विरक्त हो जाएं तो ये और काम कौन करेगा? सबकी जरूरत है, मैं फिर कह रहा हूं सबकी जरूरत है। आपका भूल जाना बहुत अच्छा है, नहीं तो हम बुलाओगे नहीं आप। आपको भूलना भी अच्छा है, नहीं तो हम बुलाओगे काहे के लिए? एक बार पक्का हो जाएगा तो दूसरी बार सुनाएंगे तो पक्की पंडित जी वही वही बात कर रहे हो आप, तो ऐसे भी चाहिए और मेरे जैसे रिपीट करने वाले भी चाहिए, और ऐसे विद्वान भी चाहिए जो गरिष्ठ बोलें, ऐसे भी चाहिए जो गरिष्ठ लिखें, और ऐसे भी चाहिए जो दूध में पानी की तरह खूब प्रवचन में एग्जाम्पल मिलाएं मेरी तरह। सब चाहिए, सब, एक आदमी बेकार नहीं है। मैंने कभी भी औदयी भाव को ऊर्ध्व नहीं करना, इसलिए मैंने इतनी बात कही। हमें सब टैलेंट वाले चाहिए, एक टैलेंट को दूसरे टैलेंट की आलोचना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, करोगे तो आपका कर्म बंधेगा, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। हमें सब चाहिए, बहुत है। मेरे से पूछो एक एक गुण, एक एक गुण बता दूंगा आपको, है ना, समझ में आया? इसलिए चिंता नहीं करना। एक अंतिम बात, अरे हाँ अंतिम नहीं, अभी भी 2 बातें हैं, ले लूँ टाइम, हाँ बोलता तो नहीं होगी, हैं? क्यों, मैं सोच रहा हूँ आज औदयी भाव बाइंड अप हो जाए, बहुत खिंच गई गाड़ी। 2 बातें और कहना है। एक तो सलाह लेना, बेटे सभी लोग सुनना ध्यान से, यूँ समझो एक एक से कह रहा हूँ, यूँ एक एक से कह रहा हूँ। हम लोग यदि छोटी उम्र से ही बच्चों बड़ों से सलाह लेना नहीं सीखेंगे तो आप सुसाइड कर लेंगे। आज जो जेनरेशन गैप आप कहते हैं ना, वो इसलिए है कि एक हमारा ऐसा खतरनाक औदयी भाव है कि मैं सब जानता हूँ। ये इतना खतरनाक सोच है ये औदयी भाव का, मैं सब जानता हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो पापा से सलाह ही नहीं लेता कि पापा 10th के बाद मैं क्या लूँ, वो दोस्तों से गाइड कर लेता है। इसीलिए ये खतरनाक काम होता है कि शादी वो अपने मर्जी से करना चाहता, पापा क्या समझे, मैं समझता, वो क्या समझे, है ना। हर मामला में कह रहा हूँ, हर मामला, प्रॉपर्टी खरीदना है, बिजनेस करना है, मम्मी पापा से कोई सलाह ही नहीं मांगता, वो बड़े बुजुर्गों से कोई सलाह ही नहीं मांगता। परिणाम ही निकलता कि मित्रों की सलाह से 90% व्यापारी डूबते हैं, धोखा खाते हैं, संपत्ति में ठगाते हैं, चित्ता 10% भी बच जाती है जो थोड़ी बहुत माता पिता से सलाह कर लेते हैं, समय से उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, आपको अपनी लड़की की शादी करना, आप 10 जनों से सलाह करे बिना नहीं कर पाते शादी, तो आप बच जाते हैं। कल्पना करो आप अपनी मन मर्जी से कहीं भी कर दें, क्या होगा, आप 10 रिश्तेदारों से क्यों पूछते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना, बिजनेस करने में बता रहा हूँ, बच्चे बेचारे करोड़ों रुपये गवा देते हैं। ध्यान रखना इस बात का, एक औदयी भाव को जीतने का तरीका है, आप अपने मन से कभी कोई काम मत करिए, हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखिए, सलाह लीजिए। इस मामले में एक दृष्टांत देता हूँ, आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व के थे, सबसे बढ़िया इंटेलिजेंट थे, उनसे बढ़िया कोई इंटेलिजेंट नहीं था उस जमाने में। इसके बावजूद उनकी एक परिषद थी, उनका एक राज दरबार था, उसमें सलाहकार होते हैं, वे चाहें तो 1 सेकंड में अवधि ज्ञान से देख के डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन वे अपना अवधि ज्ञान प्रयोग नहीं करते, डिसीजन नहीं देते। कोई भी बात होती है, सारी दरबार के लोग बैठते हैं, साहेब हे राजन आप चिंता में दिखाई देते हो, क्या बात है भाई, अब भरत बड़ा हो गया है, उसका लगन करना है, कुछ उपाय सोचो। तो फिर मीटिंग होती है, आप देख लेना पढ़ करके, आप सबकी मीटिंग होती है एक एक बात की, मतलब इतना इंटेलिजेंट जीव होने पर भी वो सलाह लिए बिना नहीं देती। मैं आप सबसे बहुत हृदय से कह रहा हूँ, बहुत 2 मिनट में पूरी कर दी बात मैंने, लेकिन मैं 1 घंटा बोलना चाहता हूँ। कभी भी कोई भी काम करो, मदर फादर और भी जो बुजुर्ग हैं उनकी सलाह ली, इसको अपन आशीर्वाद कहते थे, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो मतलब
उनकी शुभकामनाएं चाहिए तो उनको आप विश्वास में लो, ताकि अंदर से लगे बेटा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। अब होता क्या, आजकल लड़का फंस जाता है, पढ़ाई में फंस जाता है, वो अपने आर्गुमेंट सोचता है, अपने प्रोफेसरों के आर्गुमेंट सोचता है, अपने स्टूडेंट्स के माने जो मित्र हैं उनके सोचता है, लेकिन मदर फादर कल्चर इधर से नहीं सोच पाता। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है, गोल्ड मेडलिस्ट को भी बैंक का मैनेजर नहीं बनाया जाता। क्या कह रहा हूं, गोल्ड मेडलिस्ट को भी बैंक का मैनेजर नहीं बनाया जाता। बैंक का मैनेजर वो बनता है जो 10-5 साल काम कर लेता है। कॉलेज का प्रिंसिपल गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं बनाया जाता कि तुम गोल्ड मेडल बने हो, भले विदेश से आया हो फॉरन रिटर्न, नहीं, पहले आप 2-5 साल 10 साल प्रोफेसरशिप करो, समझ गए आप। ऐसे बिजनेस, शादी विवाह जी वो, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ों में अपने ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। मैं कह ही सकता हूँ, इच्छा तो ऐसी हो रही कि काश कोई विजन की तरह, पिक्चर की तरह दिखा देता आपको, लेकिन समय नहीं है। अंतिम एक बात और कहता हूँ आपसे, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अंग, अंग शरीर का अंग में पाप करते हो, माने औदिक भाव पाप बांधते हो, उसी में उसका उदय भोगना पड़ता है। जल्दी क्या गया हूँ, समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अंग, शरीर के अंग, इनसे आप पाप करते हो, उसी में आपको उसका फल भोगना पड़ता है। मतलब अब बताता हूँ, सुन लियो, चर्चा है तो औदिक भाव की आप और खोलना, नहीं तो मैंने तो शॉर्ट में पूरा करना है। आकुलता तो नहीं हो रही, बोले चलो ठीक है, होए तो कोई टेंशन नहीं करना, और 2-4 दिन की बात है। बहुत मार्मिक बात है, सुनो, मैं एक दृष्टांत दूँ। जैसे अपन आंखों से टीवी देखते हैं ना, ऐसे ऐसे इतने पास बैठ के देख रहे हैं, तो आंखों से किया गया पाप का फल आंख भोगती है, कान नहीं भोगता, कान बढ़िया रहते हैं लेकिन आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। आप अखबार ऐसे पढ़ती, तो ये पाप है, आंखों से किया गया एक पाप है, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, तो इसकी सजा आंख भोगती है। आप इत्र वगैरह लगाते हैं ना, बहुत सारे सेंट वगैरह यूज करते हैं, तो जिस जो टच सेंस है ना, टच सेंस और स्मेल सेंस, नोज नाक, ये कमजोर हो जाती है। आप दांतों से चबाना चाहिए, ये इसका अच्छा काम है, दांतों से चबाना ये अच्छा काम है, लेकिन नहीं चबाती ये पाप है, माने दांतों की एक्सरसाइज नहीं करते ये पाप है, दांतों से भोजन नहीं चबाते ये पाप है। आप जूसेस पीते हो तो आपके दांत वीक हो जाते हैं, गम वीक हो जाते हैं, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, इनमें पायर ये लग जाता है और ये दांत गिर जाते हैं। माने मुँह से किया गया पाप का फल मुँह में आ जाता है, पेट से किया गया पाप का फल पेट में आ जाता है। कुशील का दृष्टांत अभी दे ही दिया था हमने, कुशील का प्रयोग करने वाले HIV